अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग का देखिए पीए फर्स्ट में साइंस में लेसन 1, 2, 4 आएगा। ठीक है, तो आप लोग सिलेबस में देख लिए अपने, लेसन नंबर 1, 2, 4 पढ़ना है आपको पीए फर्स्ट के लिए। सभी लोग अपने पहले साइंस की बुक में देखिए, डिस्कवर साइंस लेसन नंबर 1। ओपन करिए अपना लेसन नंबर 1, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, क्या होते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चैप्टर का मतलब, लिविंग का मतलब क्या है और नॉन लिविंग का मतलब क्या है। ठीक है, थिंग्स हमें बताइए चीज़ों को कहते हैं, लिविंग मतलब जानदार चीज़ें, जो भी जान चल सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, ठीक है, अपना काम इधर से उधर कर सकें, खा पी सकें, लिविंग जान, जिनके अंदर जान हो। ठीक है, नॉन लिविंग, इनके बारे में भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो बेजान होती हैं, जिनके अंदर कोई जान नहीं होती है, वो अपनी जगह से दूसरी जगह किसी की बिना किसी हेल्प के नहीं जा सकती हैं। ठीक, तो हम इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा सब। सबसे पहले वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस, कह रहे हैं कि वी मतलब हम, सी देखते हैं, कह रहे हैं डिफरेंट, कह रहे हैं वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस, हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखते हैं अपने चारों तरफ। ठीक है, अराउंड अस इधर उधर, सम ऑफ देम हैव नो लिव्स एट ऑल, कह रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कोई मतलब ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं है, जैसे कि थिंग्स विच हैव लिव्स आर कॉल्ड लिविंग थिंग, एनिमल्स प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव लिव्स, दे विच डू नॉट हैव लिव्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, कह रहे हैं कि जो चीज़ें लाइव हैं, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, लाइव से बनाए लिविंग थिंग्स, और जो चीज़ें लाइव नहीं है उन्हें क्या कह रहे हैं हम, एनिमल्स प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लाइव, तो हम जो हैं जैसे कि एनिमल्स हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, और ह्यूमन बींग्स में हम लोग जो आते हैं, ठीक है, बच्चे बड़े बूढ़े जो भी हैं, ये सभी क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। और थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइव्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि टेबल है, जैसे एग्जाम्पल दिए यहाँ पर, डोर है, बुक्स है, कंप्यूटर, टॉयज, रिवर्स एंड माउंटेन्स एट्सेट्रा, ये अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ठीक है। अब जैसे कि डोर है, जब तक हम उसको अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं करेंगे वो हिलेगा नहीं वहाँ से, ठीक है। या फिर बुक है, बुक हमने अगर उठाई है तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, या वो खा नहीं सकती, या वो बढ़ नहीं सकती, उसका जितना साइज़ है उतना ही रहेगा। सेम कंप्यूटर, टॉयज, तो ऐसी चीज़ें जिसका ना ही कोई साइज़ पर इफेक्ट पड़े, ना ही कोई उसके लेंथ पर पड़े, ना ही उसकी किसी भी चीज़ पर कोई वो नहीं पड़े, वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती बिना किसी सपोर्ट के। अब है फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, अब लिविंग थिंग्स के इसमें कुछ फीचर्स बता रहे हैं, जैसे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, सबसे पहले कहा है लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट यू आर ग्रोइंग ग्रेजुअली बिगर एंड टॉलर, यहाँ कह रहे हैं यू मस्ट हैव नोटिस दैट यू आर ग्रोइंग ग्रेजुअली बिगर एंड टॉलर, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, कह रहे हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बड़े, टॉलर, टॉल मतलब लंबा, बिग मतलब बड़ा, पपीज ग्रो इंटू डॉग एंड किटन ग्रोज इंटू कैट, जैसे कि पपीज़ कह रहे हैं ये किसमें ग्रो होता है, डॉग में, मतलब डॉग के बच्चों को बता रहे हैं ये, किटन है ये किसमें ग्रो होगी, कैट, मतलब कैट के बच्चे को किटन कह रहे हैं, ठीक है। तो कैट का बच्चा बिल्ली ही बनेगा, कैट में ही कन्वर्ट होगा, और पपीज़ का डॉग होगा, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं लाइक अदर एनिमल्स, और दूसरे एनिमल्स एग्जाम्पल दे रहे हैं, अ बेबी ऑल्सो ग्रोज इंटू अ एडल्ट, अब बेबी कह रहे हैं कि वो जो बच्चा है वो बेबी जो है वो एडल्ट में ही कन्वर्ट होगा। अ सीडलिंग डेवलप्स इंटू अ प्लांट, और सीडलिंग मतलब जो बीजें होती हैं वो किसमें, एक प्लांट में डेवलप होंगी, एंड अ प्लांट डेवलप इंटू अ ट्री, और वो जो प्लांट है वो किसमें डेवलप हो जाएगा, ट्री में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बताया पपीज किसमें डेवलप होगा, डॉग में, किटन होगा कैट में, तो पपी कहते हैं डॉग के बच्चे को, ठीक है, कैट किटन कहते हैं कैट के बच्चे को, और एडल्ट का बेबी। तो ऐसा नहीं है कि पपी का जो किसमें कैट में कन्वर्ट हो जाए, या बेबी जो है वो डॉग में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से बता रहे हैं सीडलिंग जो है वो प्लांट में होगा, और प्लांट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्री में, अ नेस्टलिंग बिकम अ बर्ड एंड सो ऑन, इसी तरीके से कह रहे हैं नेस्टलिंग जो है वो जो होते हैं अंडे जो देती हैं बर्ड्स, चिड़ियाँ, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर बर्ड्स में हो जाएंगे, ठीक है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस, अभी हमने पीछे देखा था लिविंग थिंग्स ग्रो, ग्रो बताया था, उसकी ग्रोथ बताई थी कैसे किस में कन्वर्ट होंगे, अब इसमें कह रहे हैं रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे वो, ठीक है। लिविंग थिंग्स
रिप्रोड्यूस थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड अकाओ। हाँ, यहाँ कह रहे हैं लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे अपने ही काइंड में। जैसे कि अगर हमने कोई मुर्गी का बच्चा है तो वो मुर्गी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर कोई डॉग का बच्चा है तो वो डॉग में कन्वर्ट होगा, इस तरीके से। अ काओ गिव्स बर्थ टू अ काफ। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं काओ की और काफ की, उसके बच्चों को कहते हैं ये। अ वुमेन गिव्स बर्थ टू अ बेबी, वुमेन जो बर्थ देगी वो किसको देगी, बेबी को देगी। अ हैन लेज एग, इसी तरीके से हैन का लेग, सॉरी एग। अ चिक कम्स आउट फ्रॉम एन एग, कह रहे हैं कि जो चिक है वो किसमें से कम आउट होता है, एग में से। प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, प्लांट्स कह रहे हैं वो किस में से रिप्रोड्यूस होते हैं, सीड्स में से होते हैं, सीड्स बीजेज होती हैं। सम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, कह रहे हैं कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम देयर लीव्स और स्टेम, लीव और स्टेम की हेल्प से। अभी हमने रिप्रोड्यूस पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स ब्रीद, मतलब लिविंग थिंग्स सांस कैसे लेते हैं, ठीक है। वी नीड एयर टू ब्रीद, कह रहे हैं हमें, वी मतलब हम, नीड ज़रूरत एयर हवा ब्रीद सांस लेने के लिए। तो कह रहे हैं कि हमें सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत है, ब्रीथ सॉरी एयर की ज़रूरत है। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू अवर नोज, कह रहे हैं कि हम जो सांस लेते हैं वो किसके ज़रिए लेते हैं, थ्रू अवर नोज, नाक के ज़रिए, ठीक है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स इन देयर लीव्स, कह रहे हैं प्लांट जो हैं वो, जो जैसे कि हम ब्रीथ करते हैं नोज के हेल्प से सांस लेते हैं हम, इसी तरीके से प्लांट्स भी सांस लेते हैं, लिविंग थिंग्स हैं वो भी। तो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स, कह रहे हैं छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें लीव पर, इन देयर लीव्स, ठीक है। लीव्स देखी होंगी सभी ने, पत्तियों पर छोटे छोटे से होल्स होते हैं। दीज टिनी होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, उस छोटे छोटे होल्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। वो किस में हेल्प करते हैं, सांस लेने के लिए, ठीक है। या फिर हमें अगर उसको वाटर वाटर देना है तो वाटर सप्लाई में भी हेल्प करते हैं वो, ठीक। तो छोटे 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 होल्स होते हैं, उन होल्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, पता होना चाहिए हमें, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स पर होते हैं। किस में हेल्प करते हैं ये, ब्रीथ लेने में या फिर वाटर वगैरह में। फिर है लिविंग थिंग्स फील, अब यहाँ पर लिविंग थिंग्स बता रहे हैं, फील भी कर सकते हो, ठीक है। किक करके बता रहे हैं लिविंग थिंग्स की क्वालिटी क्या क्या है, अब फील बता रहे हैं वो फील कैसे करेंगे। व्हेन वी गेट हर्ट वी फील पेन, कह रहे हैं जब भी हम कभी दुखी होते हैं तो हमें पेन होता है, ठीक है, दर्द होता है। समटाइम्स वी बिकम हैप्पी, कह रहे हैं कभी कुछ वक्त ऐसा होता है कि हम खुश होते हैं। एंड समटाइम्स वी बिकम सैड, और कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत दुखी होते हैं। ऑल ऑफ अस कैन फील, तो कह रहे हैं हम इन सभी चीज़ों को फील कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं, कब हम खुश हैं, कब हम दुखी हैं, कब हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो कह रहे हैं ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ऑल ऑफ अस कैन फील, फील मतलब महसूस करना। फिर है एनिमल्स ऑल्सो फील लाइक अस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स या फिर हम ही लोग जो है ह्यूमन बींग्स में आए, हम ही लोग फील करते हैं, एनिमल्स भी फील करते हैं, महसूस कर सकते हैं। When we hug our pet dog, it wakes its tail. कह रहे हैं जब भी हम, कभी देखा होगा आप लोगों ने, हम डॉग को या कैट को या इन सब एनिमल्स को जब कभी हग करते हैं, प्लांट्स तो ये क्या करते हैं, खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इनको फील होता है कि हाँ हमें, हमारी केयर हो रही है ना। प्लांट्स ऑल्सो फील, इसी तरीके से कह रहे हैं जैसे ह्यूमन बींग फील करते हैं, एनिमल्स की एग्जाम्पल दी थी यहाँ डॉग या पेट की, फिर कह रहे हैं प्लांट्स भी फील करते हैं। अब उनको कैसे बता रहे हैं, When we touch the leaves of touch me not plant, टच मी नॉट प्लांट आपने सुना होगा, टच मतलब टच करना, छूना उसको, मी मुझे, नॉट नहीं, उस प्लांट का नाम यही है, उसका नाम ये क्यों है प्लांट, इट फोल्ड्स इट लीफ, जब भी हम उसको कभी टच करेंगे तो वो फोल्ड हो जाता है ना, इसका मतलब वो भी फील करता है। तो यहाँ पर हमें तीनों चीज़ों की एग्जांपल दी है, व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट इट फोल्ड इट लीव्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि टच मी नॉट प्लांट को जब कभी फोल्ड करेंगे तो वो क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। अब कह रहे हैं लिविंग थिंग्स नीड फूड, हम बता रहे हैं लिविंग थिंग्स को ज़रूरत होती है खाने की भी, नीड ज़रूरत, वी ऑल नीड फूड टू स्टे लाइफ, कह रहे हैं हमें, हम सभी को ही ज़रूरत है स्टे रहने के लिए, अलाइव जिंदा, ठीक है, जिंदा रहने के लिए हम सभी को किस चीज़ की ज़रूरत है, मेन फूड की ज़रूरत है। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड, कह रहे हैं प्लांट्स को भी ज़रूरत है खाने की, फूड मतलब खाना। दे प्रिपेयर देयर फूड बाई देयर ओन, कह रहे हैं कि प्लांट जो हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन उनको भी किसी चीज़ की हेल्प चाहिए। प्लांट्स यूज वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड, कह रहे हैं प्लांट जो है वो किस किस का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का और सनलाइट का, किस लिए, अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन, ओन मतलब खुद से। तो कह रहे हैं प्लांट किसकी हेल्प लेते हैं, दो तीन चीज़ों की, एक है वाटर है, सनलाइट है, ठीक है। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड सम ईट फ्लैश, कह रहे हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ईट फ्लैश मतलब गोश्त खाते हैं ऑफ अदर एनिमल, दूसरे किसी जानवर का, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या बताया, खाने की ज़रूरत बताई, मतलब इंसान को या जानवर को, जो भी लिविंग थिंग्स में आते हैं उन्हें फूड की भी ज़रूरत है।
ठीक है। फिर है लिविंग थिंग्स कैन मूव। अब यहाँ पर उसका मूवमेंट बता रहे हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो मूव भी कर सकते हैं। अब कैसे मूव करेंगे? वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कह रहे हैं वी हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। यू मस्ट हैव सीन डॉग रनिंग बिहाइंड अ कैट और बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, कह रहे हैं आपने देखा ही होगा डॉग को बिल्ली के पीछे भागते हुए, कैट के पीछे भागते हुए और बर्ड को स्काई में उड़ते हुए। कह रहे हैं दिस इज बिकॉज दे आर लिविंग थिंग एंड दे ऑल मूव ऑन देयर ओन। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है, मेन चीज़ इसमें लिविंग थिंग है। इसकी एग्जाम्पल दी है, एक कैट की दी है, बर्ड के साइड सॉरी कैट की दी है, बर्ड और डॉग, कह रहे हैं ये तीनों चीज़ें जो एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं इधर उधर। कह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है, दिस इज बिकॉज दे आर लिविंग थिंग्स, ये क्या है लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स अपनी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये नॉन लिविंग थिंग्स होते, जैसे टेबल है, पेंसिल है, रेजर बुक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ट्रेन है, ट्रेन भी नॉन लिविंग में आएगा, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि ये खुद से मूव नहीं कर सकते जब तक हम इसको कोई सपोर्ट नहीं देंगे। तो ये कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लिविंग थिंग्स थे एंड दे ऑल मूव ऑन देयर ओन, और ये सारी चीज़ें खुद से मूव हो रही हैं, ठीक है। मतलब अगर हमें चलना है तो हम खुद से मूव करके जा सकते हैं, हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली कह रहे हैं इसी तरीके से अ ट्रेन रन्स ऑन अ ट्रैक, कह रहे हैं ट्रेन देखा होगा आपने, ट्रैक पर चलती है अपनी पटरी पर। अब बस मूव्स ऑन द रोड, बस को देखा होगा रोड पर मूव करती है, बट ट्रेन एंड बस आर नॉन लिविंग थिंग, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये भी अपनी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे कि बस यहाँ से ये मतलब कहीं दूर गई, इसी तरीके से ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह गई। अभी हमने पीछे पढ़ा था जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हों वो लिविंग थिंग है, लेकिन खुद की हेल्प से, है ना, बाई ओन। यहाँ तक कहीं इसमें क्या कह रहे हैं कि आप बस भी मूव कर रही है, ट्रेन भी मूव कर रहा है, बट ट्रेन एंड बस आर नॉन लिविंग थिंग, लेकिन ये तो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। एंड दे कैन नॉट रन ऑन देयर ओन, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग क्यों है, क्योंकि ये कैन नॉट कह रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये खुद से रन नहीं कर सकते ओन खुद से, ठीक है, इसलिए नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं किसी चीज़ की हेल्प से, ठीक है। दे नीड सम सपोर्ट, कह रहे हैं इसने इसको किसी मतलब कुछ चीज़ों की सपोर्ट चाहिए, जैसे कि पेट्रोल है और डीजल है, कार वगैरह में देखते हैं, बस वगैरह में, तो इन चीज़ों की हेल्प से, इन दोनों या और बहुत सी चीज़ें, इन सब की हेल्प से ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि इनको दूसरी चीज़ का सपोर्ट मिल रहा है तो ये नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ पर ये जो चीज़ें थी एनिमल और कैट बर्ड डॉग, ये खुद से मूव कर रही थी, तो ये इसलिए लिविंग थिंग थी, ठीक है। फिर फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, अभी हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था, अब हम नॉन लिविंग थिंग्स के फीचर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पहले हैव यू एवर सीन अ चेयर और अ टीवी ग्रोइंग इन साइज और मूविंग ऑन इट्स ओन, कह रहे हैं आपने देखा हो अ चेयर, चेयर मतलब कुर्सी, और टीवी, या फिर टीवी देखी हो ग्रोइंग इन साइज, कभी देखा है कि हमने कोई चेयर रखी है, हम उसको 10 साल बाद देख रहे हैं तो उसकी मतलब ग्रोथ हो गई है, ग्रोइंग इन साइज, साइज बढ़ गया हो, या अपनी जगह से दूसरी जगह मूव हो गई है बिना किसी दूसरी चीज़ के सपोर्ट के, ऑन इट्स ओन, कह रहे हैं खुद से। ऐसा कभी हुआ है अगर हमने चेयर रखी है, छोटी चेयर है तो वो छोटी ही रही है, ऐसा नहीं कि वो बड़ी हो जाए, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। नो बिकॉज पूछ रहे हैं यहाँ पर, कभी ऐसा देखा आपने, तो हमने कहा नो, नहीं, क्योंकि चेयर एंड टीवी आर नॉन लिविंग थिंग्स, चेयर और टीवी जो है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स नाइदर ग्रो नॉर मूव, कह रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ना ही ग्रो कर सकते हैं नॉर ना ही मूव कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते जब तक हम उसको कोई हेल्प ना दें, जब तक कोई सपोर्ट नहीं मिले उसको। दे डू नॉट फील पेन नॉर रिप्रोड्यूस यंग वन, कह रहे हैं कि उसको कोई मतलब पेन, तुम अगर उसको मार रहे हो तो उसको कोई एहसास नहीं होगा, ठीक है, किसी मतलब उसको फीलिंग नहीं होगी किसी भी चीज़ की, ना ही वो रिप्रोड्यूस करेंगे यंग वन में। अगर हमने छोटी सी कुर्सी रख दी है तो ऐसा नहीं कि वो कुछ साल बाद बड़ी कुर्सी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो हमने इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा है। हम देखिए लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइज पर देखते हैं, ये है इसमें टिक दी करेक्ट ऑप्शन, इसमें हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। फर्स्ट है हु इज़ द बेबी ऑफ कैट, हु मतलब कौन इज़ द बेबी ऑफ कैट, कह रहे हैं कि बेबी जो है कैट का, ठीक है, कैट के कैट का जो बेबी होगा वो कौन होगा इसमें से, तो पपी कहलाएगा या काफ कहलाएगा या फिर किटिंग कहलाएगा। तो अभी पीछे हमने पढ़ा था पपी जो था वो किसका था, अभी हमने यहाँ पीछे पढ़ा था डॉग का था, और काफ जो पढ़ा था हमने वो किसका पढ़ा था, काऊ का पढ़ा था, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन जो है वो गलत है, हमसे किसका पूछा गया, कैट का पूछा गया, तो कैट के बेबी को हम क्या कहेंगे, किटन कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर है सेकंड, व्हाट डू वी नीड टू ब्रीथ, कह रहे हैं ब्रीथ मतलब सांस लेना, नीड ज़रूरत, व्हाट क्या, वी हम, कह रहे हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत है सांस लेने के लिए, मतलब किसकी क्या चीज़ हम लेते हैं सांस लेते हैं जब,
वाटर है, तो वाटर तो हम सांस लेंगे ना, वाटर तो हम पीते हैं, क्योंकि एयर है या फिर लैंड है, लैंड जमीन हो गई, तो ये दोनों हमें ब्रीथिंग में कोई हेल्प नहीं करेंगे, एयर करेगा, ठीक है। तो एयर हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो हमने इसको टिक कर दिया है, ठीक। फिर है थर्ड वन, हु प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन, कह रहे हैं कि इनमें से प्रिपेयर तैयार करते हैं देयर फूड, खाना बाय देयर ओन मतलब खुद से, कह रहे हैं इनमें से, इन तीनों ऑप्शन में से ऐसे कौन से हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, ठीक। तो एनिमल्स हैं, एनिमल्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं, या फिर प्लांट्स हैं, या फिर क्या कहते हैं लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, डिपेंड है वो प्लांट्स पर हैं, एनिमल्स पर हैं, ठीक। और एनिमल्स हैं वो भी डिपेंड है दूसरे एनिमल्स पर, तो प्लांट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, मतलब वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, तो हम इसको टिक कर देंगे। फिर है बी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। हमें इसमें बताना है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो क्या होते हैं, तो बताइए नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं हम इसमें क्या होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स हमने क्या पढ़े थे, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनकी मतलब कोई ज़िंदगी नहीं है, ठीक है, और उन्हें वो कोई चीज़ फील नहीं कर सकते, अगर हम उसको मार रहे हैं या उसको हम या उसका कोई साइज नहीं बढ़ सकता है ना, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। तो हमें शॉर्ट में लिखना है कि व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, तो चलिए मेरे साथ लिखिए, कैपिटल से स्टार्टिंग करिएगा। नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ, एंड मतलब उनकी कोई लाइफ नहीं है, एंड डू नॉट नीड फूड, उन्हें किसकी ज़रूरत नहीं होती है, फूड की, ठीक है। सेकेंड है व्हाट आर लिविंग थिंग्स, अब हमने पीछे पढ़ा था लिविंग थिंग्स क्या थे, उनका साइज भी इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या थे, लिविंग थिंग्स थे, उनको फील भी हो रहा था, वो कुछ भी फील कर सकते थे, ठीक। तो हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे इसमें से, तो लिखिए लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, यानी ब्रीथ कर सकते हैं मतलब सांस ले सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बिना किसी सपोर्ट के, नॉन लिविंग भी जा सकते हैं लेकिन उन्हें किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए, फील कर सकते हैं वो अच्छा बुरा, एंड रिप्रोड्यूस, और वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बेबी जो है वो किस में रिप्रोड्यूस होगा, एडल्ट में, किटन किस में होगा, कैट में, इस तरीके से। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज़ अ मूविंग ट्रेन नॉट अ लिविंग थिंग, कह रहे हैं कि मूविंग मतलब चलती हुई ट्रेन, कह रहे हैं कि चलती हुई ट्रेन जो है नॉट नहीं लिविंग थिंग, कह रहे हैं कि उसको हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो लिविंग थिंग नहीं है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है, लेकिन जब तक हम उसको कोई मतलब सपोर्ट नहीं देंगे, ठीक है, पेट्रोल या इन सब डीजल वगैरह की हेल्प से नहीं चल पाएगी वो, जब तक वो अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, ठीक है, तो इसलिए वो लिविंग थिंग नहीं है, तो वो रीज़न हमें लिखना होगा। मूविंग ट्रेन नॉट अ लिविंग थिंग, ये क्वेश्चन में से ही आपका मूविंग ट्रेन नॉट अ लिविंग थिंग, और हमें रीजन लिखना है क्यों, बिकॉज दे नीड, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, दे नीड सपोर्ट, सम सपोर्ट मतलब कुछ सपोर्ट चाहिए उसको, टू मूव, मूव करने के लिए, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, राइट 3 मेन फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, अब हमें लिविंग थिंग्स के इसमें 3 मेन जो फीचर्स हैं वो लिखने हैं, मतलब लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमने बहुत से पीछे पढ़े थे, तो पहले क्वेश्चन में से लिखते हैं हम लिविंग थिंग्स
लिविंग थिंग्स ग्रो मूव एक और लिख लेते हैं फीड या फिर रिप्रोड्यूस लिख लेते हैं रिप्रोड्यूस यंग वंस। फिर है सी फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है लिविंग थिंग्स डैश इन साइज। तो लिविंग थिंग्स कह रहे हैं कि साइज में लिविंग थिंग्स डैश इन साइज। लिविंग सी देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। वन है लिविंग थिंग्स कैन इन लिविंग थिंग्स डैश इन साइज। कह रहे हैं लिविंग थिंग्स जो है वो साइज में क्या कर सकते हैं, लीव्स कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या कंप्यूटर कर सकते हैं, या ग्रो कर सकते हैं, या प्लांट्स कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं किसमें, साइज में, ठीक है, बढ़ सकते हैं। लिविंग थिंग्स का अगर साइज हम देखें तो वो ग्रोथ हो सकती है उसकी। सेकेंड है लिविंग थिंग्स कैन डैश। लिविंग थिंग्स कैन और क्या कर सकते हैं, डैश। प्लांट्स है, प्लांट्स नहीं आएगा, ग्रो हमारा हो चुका है, कंप्यूटर नहीं आएगा, नॉन लिविंग है ये, रिप्रोड्यूस या फिर लीव्स। तो हमारा इसमें क्या आएगा, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, यानी लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि किटन का कैट बताया था, बेबी का एडल्ट में बताया था, इस तरीके से। फिर है डैश इज नॉन लिविंग थिंग। हमसे यहाँ कह रहे हैं कि ये जो है ये नॉन लिविंग थिंग है। तो इसमें से ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग थिंग है, प्लांट्स है ये लिविंग है, ग्रो नॉन लिविंग, लिविंग ये कुछ नहीं, कंप्यूटर है, रिप्रोड्यूस है या फिर लीफ है। तो इन सब में से देखिए नॉन लिविंग थिंग क्या है, तो कंप्यूटर जो है हमारा वो लिविंग नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, इसलिए क्योंकि ये बगैर किसी हेल्प से अपनी जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, ठीक है, ना ही कुछ फील कर सकता है ये, ना ही इसके साइज में कोई ग्रोथ हो सकती है, तो इसलिए क्या है, नॉन लिविंग। अब कह रहे हैं डैश आर लिविंग थिंग्स। अब हमें बताना है लिविंग थिंग क्या है इसमें, तो प्लांट है, ग्रो है, कंप्यूटर है, रिप्रोड्यूस है या फिर लीफ है, ठीक है। हमें इसमें ये बताना है कि डैश आर लिविंग थिंग, इसमें से लिविंग थिंग क्या, तो लिविंग थिंग हम देखेंगे प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, क्यों, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। फिर है प्लांट्स टेक इन एयर थ्रू देयर डैश। कह रहे हैं प्लांट्स जो हैं वो एयर लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं, किसके ज़रिए, जैसे ह्यूमन बींग्स लेते हैं नोज़ के ज़रिए, इसी तरीके से प्लांट्स का पूछ रहे हैं ये किसकी हेल्प से सांस लेते हैं। तो अभी बताया था लीव्स की हेल्प से लेते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, लीव्स कैसे लेते हैं, स्मॉल स्मॉल से होल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटा, ठीक है। ये हो गया। अब है यहाँ पर आपका लुक एट द पिक्चर शोन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। इस पिक्चर को देख इसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डू दीज थिंग्स नीड फूड। कह रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए फूड की ज़रूरत है, नीड मतलब ज़रूरत, फूड खाना, ठीक है। तो इसमें किसी को भी ज़रूरत नहीं है फूड की, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नो। डू दीज थिंग्स नीड वाटर, वाटर की भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो। डू दीज थिंग्स नीड एयर, एयर की भी नहीं है, सिर्फ एक को है, ठीक है, हमसे तीनों के बारे में पूछा गया है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, नो। फिर है आर दे नॉन लिविंग थिंग्स। कह रहे हैं कि क्या ये जो सभी चीज़ें हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स है। क्यों नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये भी अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, ना ही फील कर सकता है, ना ही इसकी कोई ग्रोथ हो सकती है, ठीक। सेम बॉल भी नहीं इसी तरीके से फील कर सकती है, ना ही पेंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कह रहे हैं ये सभी चीज़ें जो हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो यस ये सभी चीज़ें क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। अब आपको इसमें कॉपी में जो करना है ये एज इट इज़ बुक में करिएगा, कॉपी में सिर्फ आपको लेसन नंबर 1 डालकर लेसन का नाम डालिएगा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको सिर्फ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग डालकर, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, फिर क्वेश्चन 1-2 फिर आंसर, इस तरीके से 4 क्वेश्चन करने हैं। कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन आंसर नोट करिएगा, बाकी सब कुछ आपको बुक में करना है। थैंक यू।